सा ये इश्क है, अजब सा इश्क। चाची जी, चाची जी, आप यहाँ क्या कर रही है? तो जाए यहाँ से, अन्ने मारे हाल पे छोड़ दे। अन्ने किसी से भी कोई भी बात ना करनी है। जो बात ना करोगी तो मैं तारी मदद कैसे करूंगी? तू के इस घर में कोई भी मारी मदद ना कर सके। बस एक अंतर था जो हमारी जिंदगी में खुशियों का बीज बो रहा था, वो भी चला गया। चाची जी, मैं जानती हूँ कि वो अंतर किस लिए था। बच्चे के लिए। ये अंतर ही तो था चाची जी, मैं क्या अंतर पे इतना भरोसा। तुमने पता है एक औरत को सबसे ज्यादा डर कब लगे? जब लोग उसे बांझ कहना ना शुरू करते, जब उसका पति उसे छोड़ के कोई दूसरी लुगाई ना कर ले, तब ये छोटी छोटी उम्मीदें ही भगवान का वरदान लगती है। भले ही वो जादू टोना क्यों ना, कोई अंतर तुझे पता है, मैं तो पूरा शक से तारे चाचा जी ने ना यो सब सोचना शुरू कर दिया। वो ना हमारे से ठीक से बात भी ना करे, अन्ने हाथ लगाना तो दूर, अरे को आज तक आजकल देखते भी ना। जी जी, आपने क्या लगता है ये अंतर, ये जादू टोना आपकी मां बनने की इच्छा पूरी कर देगा? उसी बात करती हो तू? तुझे भी पता है कि गांव की सारी औरतें जादू टोना पे विश्वास रखे। हाँ चाची, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ, पर हो सके है ना कि कमी आप में ना बल्कि चाचा जी में हो। क्या कह रही तू? अरे यो बात सोचना भी गुनाह से, तुमने थारी जबान पे कैसे लाई यो बात? मर्द में भी कोई कमी हो सके के? मर्द ना सही, अगर किसी औरत ने भी सुन ली ना थारी बात, थारे को जमीन में चिंता गाड़ देंगे। ऐसी बातें कभी जबान पे मत लाना। ठीक है चाची जी, अने माफ कर दो, अने मैंने भूल हो गई कि मैंने वो अशुभ बातें अपने अपने मुंह से निकाली। पर अभी यहाँ से चलो चाची। चलो चाची, पूरा घर आपको ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहा है, चलो। चाची जी, चलो। के क्या है? के कह रही थी तू? कहाँ थी तू झुमरी? दोबारा बता, मैंने के कह रही थी? अब वो चाची जी कोयले के गोदाम में थी। कोयले के गोदाम में? वहाँ के कोयले बना रही थी? वहाँ इतनी देर क्या कर रही थी? मैं वो चाची जी वहाँ उनको चक्कर आ गए थे तो मन ने उनको वहीं बैठा दिया और पानी भी पिला दिया। चक्कर
आ गया, मारी झुमरी को, मारी झुमरी को चक्कर आ गया। सुना तुम लोगों ने, मारी झुमरी ने चक्कर आ गया सामू, मारी झुमरी ने। अरे माँ, चक्कर आया इसने, इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? अरे ये खुशी का चक्कर है सामू, समझ ना बेटा। ए चंचल, ए चंचल, चंचल तू तो समझ गई ना चंचल, मारी झुमरी का चक्कर आ गया। आ गया जी, आ गया, आ गया। झुमरी तू माँ बन्याने से। अरे इतने छोड़, जल्दी जा, सबका मुंह मीठा करा। अरे झुमरी, मुबारक हो, जो तो तूने सचमुच खुशी की खबर सुनाई से। अरे तू करे परवाने का, भाग लगे तेरी कोख में, खुश रहे मेरी लाडो। चल मुंह मीठा कर ले। हमारी तरफ से सबने बहुत बहुत बधाई हो, रस्ता ने भी बधाई हो बेटा। तो जा जल्दी से बलदेव ने बुला के लेके आ। अरे जल्दी जा, आज तो मन खुश हो गया हमारा। अरे आज मैं अपने हाथों से पूरा गांव में लड्डू बांटूंगा। अरे उल्लू, तेरा पट्टा आ रहा है। अरे तू बाप बनने वाला है, बाप। राजा, तेरा बाप बनने की बहुत बहुत बधाई। मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ। अरे बलदेव, अरे मुबारक हो भाई। भाई साहब, यो साहब आपका आशीर्वाद से। मुबारक हो भाई। जी भाई साहब। तो वो यंत्र संतान के लिए था, है ना, है ना? अरे यो तो बड़ा शक्तिशाली यंत्र था, है? फेंकड़ के बाद भी अपना असर दिखा के चला गया। अरे जय चमूर्ति बाबा, कमाल कर दिया आपने तो। लो जी दूध पी लो, माफी करना कि लाइन में थोड़ी देर होगी। अरे अरे माफी वाली कौन सी बात है, थोड़ी देर ही हुई है ना। अरे इससे कौन सा मेरी सेहत में को फर्क पड़ गया। रा अब बैठ बैठ वाली चुमर। अरे इस दूध की मारे से ज्यादा तारे ना जरूरत है। चल पी जा, बता माला दूध घटाघट ले। अरे पी ना। अरे इब से यादें डाल दे छोटे सांगवान ने बादाम का दूध पीण की। हाँ, रता की दुनिया में आने से पहले ही अपने बापू की तरह तगड़ा होवे। सच बोलू झूमर, मैंने तो धारे से लगभग सारी उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैंने न्यू नागल ना किया था कि तू कदे माँ ना बन सकेगी। देख हमारी शादी को कितनी देर होगी, पर अब तक तू मने बाप ना बना सकी। अरे ये जो रिश्तेदार है ना, अरे इनकी नजरें मने कांटे की तरह चुपती थी। अरे इसलिए मैं परेशान, अरे हमेशा परेशान रहा करता था। पर इब सब ठीक हो जाएगा। अरे चौधरी बलदेव सिंह बनेगा बाप और मारी झूमर बनेगी माँ। अरे अब से थारा पूरा ध्यान मैं रखा करूंगा, समझी ना, ताकि ताकि हमारा छोरा एकदम तंदुरुस्त होवे, एकदम तगड़ा हो गया अपने बापू की तरह, तेज दिमाग ताकतवर। तुम्हारा शक सही निकला, मैं इन्हें बच्चा नहीं दे रही थी, इसलिए इन्होंने मन में प्यार देना बंद कर दिया था। हर बच्चे की खबर सुनते ही इनका प्यार मारे पे उबला है। अरे पी ना, दो गुड़ तो जरूर छोड़ेगी, फटाफट चल।
इबना तू एक काम कर, मारा भी दिमाग खुशी के मारे, तुम्हारा कहने का मतलब से इब तू आराम कर, और साथ में ना यो घर के काम काज में भी कम ध्यान दिया कर। कहते हैं कि अरे कम कम करना जच्चो और बच्चे के लिए फायदेमंद हो। वैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, वास्ते कुछ लाना है पक्का, चल तू आराम कर। छोटे छोटे कपड़े तो बाद में लाएंगे। हे भोले बाबा, हे भोले बाबा, ऐसे दुविधा में फंसा दिया मारे को। मन ने जो प्यार और सत्कार मारे घर वाले से चाहिए था वो तो मन ने मिलना शुरू हो गया, पर दुख की बात तो यो है कि मैं गर्भवती ना हूं। अगर यो बात मारे घराड़े को पता चल गई तो मैंने धरती में गाड़ देंगे। नाना, मैंने यो बात किसी से भी नहीं करनी चाहिए। जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहिए। अगर सब लोग मैंने गर्भवती समझ रहे तो मन ने भी खुद को गर्भवती समझना होगा। मारे घर आड़े का प्यार ही मुझे सबसे सबसे जरूरी है। बाकी जो होगा देखा जाएगा। कैसा ये इश्क है, अजब सा इश्क है।